एवरीवन, दिस इज मुकेश हियर। वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लूप बेस्ड प्रोग्राम। देखिए, लूप बेस्ड प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक सर्टेन सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है, और सीरीज को आपको प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बताएंगे कि सीरीज बेस्ड प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। हम इससे पहले सारा लूपिंग का कंसेप्ट पढ़े, लूपिंग होता क्या है, कौन कौन सा लूप होता है, हर एक लूप को कैसे यूज करेंगे, व्हाइल लूप और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप कैसे काम करता है, हर एक चीज को हमने आपको बताया है, ठीक है। तो हम लोग लूपिंग में सीरीज बेस्ड प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, बात समझे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसे देता है कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 अप टू आपको 50 तक इसमें जितना भी संख्या है सबको आपको प्रिंट करवाना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको बोल रहा है कि 1 को प्रिंट करवाना है, 2 को प्रिंट कराना है, 3 को कहां तक, 50 तक प्रिंट करवाना है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सीरीज आ सकता है आपके पास। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन लूपिंग का सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें करना क्या होगा, पहले ये देखो, इसमें सबसे आसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिया रहेगा और एंडिंग पॉइंट दिया रहेगा, बात समझे, जिससे ये पता चल जाता है कि लूप मुझे लगाना कहां से है, क्लियर है। अब फिर आपको क्या देखना है कि अगला टर्न कैलकुलेट कैसे होगा, बात समझिए। यहाँ पे जैसे इसमें अगला टर्न 2 है तो प्लस वन का डिफरेंस यहाँ पे आप नजर आ रहा है। तो मतलब अगर हम एक लूप काउंटर आई से स्टार्ट करें, ठीक है, और उसको इंक्रीज करते हुए कहां तक ले जाएंगे, 50 तक ले जाएंगे, ठीक है, जब तक काउंटर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना हो, 50 हो, तब तक आपको क्या करना है, काम करते रहना है, ठीक है। और एक अक्स इंक्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि अगला जो मेरे पास सीरीज का जो टर्म है वो टर्म का एक अक्स इंक्रीज करने के बाद है, क्लियर है, बात समझे। तो इस तरह से इसमें आपको पता चल गया कि लूप मुझे कहां तक लगाना है। आप कोई भी लूप लगाओ, फॉर लूप लगाना है फॉर लूप लगाओ, व्हाइल लूप लगाना है व्हाइल लूप लगाओ, डू व्हाइल लगाना है डू व्हाइल लगाओ, क्लियर। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे इंक्लूड कर लेंगे हम लोग जो भी है, ठीक है। चलिए, देन हमने यहां पे स्टार्ट किया वर्ड में, ओके। चलिए, एक लूप काउंटर के लिए हमने ले लिया इन टाइप का वेरिएबल आई, आपको हम बताए हैं कि लूप काउंटर हमेशा एक इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल होता है, ओके। चलिए, और हम यहां पे व्हाइल लूप लगा लेते हैं, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए और कहां तक मुझे जाना है, 50 तक। तो कंडीशन डाल देते हैं व्हाइल जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 50 हो तब तक आपको काम करते रहना है। क्या काम क्या करना है, तो काम करना है आपको लिखना है printf यहाँ पे %d, ठीक है, और यहाँ पे हम i का वैल्यू ही प्रिंट करना है। i का वैल्यू क्यों, क्योंकि i में शुरू में 1 है तो हमें 1 ही प्रिंट ना करना है। तो काउंटर का वैल्यू को ही हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है, बात समझे। और मुझे अब मुझे इस चीज को बार बार प्रिंट कराना, लेकिन अगले बार i का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2, मतलब i यहां से बढ़कर कहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो i का इंक्रीमेंट कर दो 1 से, क्योंकि अगले बार हमको टर्न 2 है तो 1 से इंक्रीमेंट कर दिए और ये लूप मेरा कंटिन्यू चलते रहेगा, क्लियर है, बात समझे। तो आपके पास i का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा पहला बार में, फिर आपके पास 2 होगा, 2 लेस देन 50, 2 प्रिंट करेगा, फिर i इक्वल टू i प्लस 1 3 होगा, 3 लेस देन 50, 3 प्रिंट करेगा, ओके। और देन हम यहां पे गेट सीएच लगा देते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन आपके पास ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है, जहां पे 1 से लेके 50 के बीच में जितना भी संख्या आ रहा है सभी संख्या को ये आउटपुट स्क्रीन पे आपका ये प्रोग्राम क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। चलिए, ये तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देखें। चलिए फिर हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे जैसे, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगर हम लोग आते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे कि मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया, 50 है, 49, 48, 47 अप टू 1 तक, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, रिवर्स ऑर्डर में आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इसका स्टार्टिंग देखो, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, जितना भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कहां से करना है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना से है, 50 से ना, तो i हम 50 से स्टार्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स i जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कहां तक चलेंगे, 50 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और कहां तक जाना है, 1 तक, मतलब जब तक 1 से बड़ा हो काउंटर का वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे,
उल्टा लूप लगा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है? कहां तक? वन तक। तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? वन। हमने ये चीज कर दिया, ठीक है। और अब आप देखिए आई का वैल्यू प्रिंट कराए तो आई का वैल्यू शुरू में कितना मिलेगा? 50। 50 ग्रेटर देन वन है ना, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा लूप के अंदर आएगा, आई का वैल्यू आपका प्रिंट कर देगा 50, ठीक है। और आई इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे तो मुझे क्या चाहिए? हम प्लस वन 51 हो जाएगा ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 49 चाहिए ना, अगले बार 48 चाहिए, एकक से माइनस वन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन कर देंगे तो अब आई में जो 50 था, 50 में से घट जाएगा, कितना आएगा? 49 आई में ही स्टोर कर दिए तो आई का वैल्यू 50 घट के कितना आ गया? 49 आ गया। और देन लूप यहां से फिर से ऊपर गया, कंडीशन चेक करेगा, 49 ग्रेटर देन कितना? 1 है ना, कंडीशन फिर से क्या है? ट्रू है, ठीक है। ट्रू होने के बाद फिर से अंदर आया लूप के अंदर, प्रिंट एफ आई, आई का वैल्यू आपके पास कितना है? एक बार 50 प्रिंट किया था, अगली बार 49 प्रिंट कर देगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये चलते रहेगा, कहां था? 1 था। मतलब ये कंटिन्यू रहेगा 1 तक। जैसे ही आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, तब लूप का कंडीशन फॉल्स होगा, लूप बाहर निकल जाएगा, आपको प्रिंट कर देगा कहां तक? ये 1 तक प्रिंट कर देगा। क्लियर है? ये भी आप समझ रहे हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस को। आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे करना क्या है, कहां तक मुझे बढ़ाना है, कहां तक घटाना है, अगला टर्म कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि सीरीज बेस्ड क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन नहीं होता लूपिंग में, बात समझे। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, इन पॉइंट देखिए, उसके हिसाब से लूप सेट कर दीजिए, देन अगला टर्म का कैलकुलेशन कैसे आएगा, बस ये चीज को आपको देखना है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको लेके चल रहे हैं, यहां पे देखिए, अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 1, ठीक है, फिर हम लोग के पास है यहाँ पे 4, फिर 9, 16, ठीक है, अप टू, बात समझे, यहाँ पे अप टू एन टर्म तक। अब एक क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें क्या चेंजेस करना है। देखिए ये क्वेश्चन को पहले देखिए, लूप हमें 1 से चाहिए, ठीक है, कहां तक मुझे पता नहीं है, कितना टर्म चाहिए ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हर एक टर्म का कैलकुलेशन मुझे पता चल रहा है, क्या है? दिस इज द 1 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब अगर n का वैल्यू 110 होता तो कहां तक जाना होता? 10 के स्क्वायर तक जाना होगा। क्लियर है ना बात समझे? मतलब लूप मुझे लगाना है 1 टू n, मतलब 1 टू 10 तक, अगर n का वैल्यू 10 होगा तो, और n का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको n का वैल्यू क्या लेना होगा? इनपुट लेना होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा, आपको n का वैल्यू क्या लेना है? इनपुट लेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, देखिए यहां पे, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इस तरीका से रखते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे हमने यहां पे लिया i, एक वेरिएबल ले ले, इन टाइप का i चाहिए और n चाहिए, n में लास्ट टर्म हम मांगेंगे कि कहां, कितना लास्ट टर्म है मेरा, कहां तक जाना है मुझे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें बाकी दो क्वेश्चन में क्या था कि 50 तक जाना था, 50 से लेकर 1 तक जाना था, वो फिक्स था, लेकिन यहां पे n है, n का वैल्यू मे बी वेरी, और जो यूजर इनपुट करेगा वहीं तक हमें लूप लगाना है। ओके, चलिए तो यहां पे अगर बात करें तो इन इनपुट लेते हैं, प्रिंट एफ यहां ले लें, ये मैसेज दे देते हैं इंटर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इनपुट ले लेंगे, देन स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ एन। ओके, चलिए एन इनपुट दिया, मान लो एन में कुछ भी 10 ही दिया होगा तो हम लूप लगाएं कहां से? 1 से लेकर कहां तक? वाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना? एन तक, लेस देन इक्वल टू कहां? एन तक हमने लूप लगा लिया, ठीक है। मतलब अगर 10 है तो एन में मान लो 10 है, सपोज कि इनपुट किया आपने 10, तो 1 से लेकर कहां तक चलेगा लूप? 10 तक, ठीक है। क्या चाहिए हमें? जो 1 है आई है, आईथ वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, मतलब हर एक आई वैल्यू, जैसे दिस इज द आई, आई शुरू में 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर आई को यहां पे पहुंचा देंगे, मतलब 2 पे, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हर एक आईथ वैल्यू का मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए ना, तो हम आई को ही प्रिंट करवाएंगे लेकिन स्क्वायर करके, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट डी, ठीक है, और यहां लिख देते हैं आई इंटू आई इज स्क्वायर, ठीक है। आई का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। और देन अगला हमको 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 चाहिए, ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 से ही बढ़ाइए ना, तो अगले बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, 2 लेस देन कितना रहेगा? 10, एन का वैल्यू मान लो 10 है तो 2 गुना 2 4 प्रिंट करेगा, अगले बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,
3 less than 10 रहेगा, 3 into 3 मतलब 9 प्रिंट करेगा, इस तरह से आपका ये सारा सीरीज चला जाएगा। और n का वैल्यू 5 दोगे तो 25 तक प्रिंट करेगा, n का वैल्यू अगर 10 दोगे तो 100 तक प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है? हमने आपको यहाँ पे तीन टाइप का क्वेश्चन बताया, आप देख रहे हो तीनों में लगभग एक ही जैसा काम करना है, बात समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से बस फिर से मैं एक बार आप बता दें, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखना स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट, ये आराम से मिल जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। इसलिए ये खोजना नहीं रहता प्रोग्रामर को कि लूप कहां तक लगाना है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाता है तो पता चल जाएगा। दूसरा क्या देखना है हम लोगों कि अगला टर्म का कैलकुलेशन कैसे है, कितना से बढ़ाएंगे या क्या करेंगे कि मेरा अगला टर्म कैलकुलेट हो जाएगा, बस ये चीज देखना है। अगर ये चीज समझ जाते हैं तो आप सभी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन लूप का जो होता है आराम से बना सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको और भी कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे बनाकर। ओके,